बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। इस बीच अर्जुन ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखकर फैंस थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। अर्जुन कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने हाथ में मंगलसूत्र पकड़ा हुआ है। वह आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को लेकर आए दिन मीडिया में खबरें आती ही रहती हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही दोनों को अमृता के घर हाउस पार्टी करते हुए देखा गया था और दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक अंदाज में भी नजर आए थे। साथ ही उनके साथ करण जौहर भी नजर आए। तो वहीं अब जब से हाथ में मंगलसूत्र लिए अर्जुन ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, तब से फैंस का कहना है कि मलाइका और अर्जुन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वह अर्जुन और मलाइका काफी वक्त से एक साथ रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपना वजन घटाने में लगे हुए हैं। कई फोटोज और वीडियोज पर वो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसे देख पहली बार में सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर अर्जुन के हाथ में ये मंगलसूत्र क्यों है और आखिर आया कहां से। ये बात जानकर तो आपको और ज्यादा हैरानी हो जाएगी कि इस मंगलसूत्र का मलाइका अरोड़ा से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल अर्जुन कपूर ने ये तस्वीर अपनी फिल्म की एंड का को याद करते हुए पोस्ट की है। दरअसल अर्जुन कपूर और करीना की इस फिल्म की एंड का को रिलीज हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में अर्जुन और करीना की केमिस्ट्री और फिल्म की कहानी लोगों को काफी पसंद आई थी। अर्जुन कपूर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो जल्दी ही रकुल प्रीत सिंह के साथ डिजिटल फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में दिखाई देंगे। इस फिल्म के अलावा अर्जुन कपूर फिल्म भूत पुलिस में भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अर्जुन एक विलन रिटर्न में भी दिखाई देंगे। मेरे दोस्तों, अर्जुन कपूर की इस तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।